हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट द पार्ट थर्ड ऑफ द चैप्टर नीड ऑफ अ पार्लियामेंट। पार्ट बी, कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इनफॉर्मिंग द गवर्नमेंट। मेन आस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इज द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव दैट इलेक्ट मेंबर्स इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन्स अवर बोथ हाउसेज। एंड इन दिस पार्ट अपोजिशन प्ले क्रूशियल रोल्स फॉर दिस क्वेरी इन अ डे। एक दिन में देर आर टू आवर्स, वन इज क्वेश्चन आवर, सेकेंड इज जीरो आवर। इन द क्वेश्चन आवर दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क बाय द मेंबर्स टू द पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव। फॉर एग्जाम्पल टू द एजुकेशनल मिनिस्टर दैट अदर मिनिस्टर स्पीकर कैन पुट द क्वेश्चन, वट इज द लिटरेसी रेट ऑफ योर स्टेट एंड वट स्टेप बाय स्टेप टेकन बाय योर मिनिस्टर्स योर कोऑर्डिनेटर टू रिड्यूस इट। नेक्स्ट इज जीरो आर। जीरो आर विच इज स्टार्टेड इमिडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर। एंड इन दिस आर डिस्कशन ओवर मैटर ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट आर हेल्ड। इसमें डिस्कशन होती है। एम पी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जिनको हम इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं, प्ले अ की रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग वेरियस पॉलिसीज। इसके साथ पार्लियामेंट हैज़ ऑल्सो पावर। पार्लियामेंट की और क्या पावर है? दैट पार्लियामेंट कैन रिमूव प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, इवन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन और मिस यूज देयर पावर्स। सी पार्ट, कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस। सो एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट ए बजट। बजट मीनिंग के कितना हमारे पास पैसा है इंटायर द इंडिया बिफोर द पार्लियामेंट टू एक्सप्लेन इन डिटेल इंडेंटेड एक्सपेंसेस एंड प्रोबेबल रिटर्न्स। बिसाइड द गवर्नमेंट टेबल, साथ में ये भी मेंशन करता है प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स लॉ। इसके अलावा हम टैक्स के थ्रू कैसे इनकम को इन्हांस कर सकते हैं, कितने हमारे खर्चे हुए हैं, कितनी हमारे पास रिटर्न्स आई है। सो विच आर इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर गवर्नमेंट। सो देर आर सम टैक्स विच आर कंट्रोल्ड बाय द सेंटर एंड विच इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट। सेंटर की लिस्ट में कौन से टैक्स आते हैं? दैट डिफेंस मनी, बैंकिंग, टेलीफोन, पोस्टल सिस्टम, जिसके ऊपर जितने भी लॉ बनाने हैं दैट कैन बी मेड बाय ओनली सेंटर गवर्नमेंट। इन ऑन अदर हैंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ एंड टैक्स ऑन द सेल्स टैक्स, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, रोड्स के ऊपर, नेशनल हाईवेज, एग्रीकल्चर, पुलिस, हेल्थ केयर। दिस इज ऑल अंडर द स्टेट लेवल। एंड देयर इज वन मोर लिस्ट विच इज़ नोन एज कंकरेंट लिस्ट, जिसमें क्या है, बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव, मीन्स अवर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एंड अवर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ law, which is included educations, law relating to factories, industry, electricity and labor. D, law making. At the center level, so making law about 97 subjects, which include railways, banking, currency, telephone, foreign affair and so on, and as well as judiciary subject not found in any other bill. Inka जो ये लॉ बनाए जाते हैं इनको ना तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, एंड देट आर नॉट कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। एंड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैव अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड मीनिंग उसमें सोध करनी। सो इन नेशनल एमरजेंसी के टाइम, जैसे फ्लड आए हुए हैं, वॉर लगी हुई है, एट दैट टाइम पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट के अंदर होते हैं, लाइक ए सेल टैक्स था, इरीगेशन का था, पुलिस का था, तो वो भी अपने अंदर कंट्रोल में कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड पार्लियामेंट कैन ऑल्सो फार्मूलेट लॉ ऑन द 47 सब्जेक्ट गिवन इन द कंकरेंट लिस्ट, और कंकरेंट जिसमें दोनों की मंजूरी चाहिए थी वो भी अपने अंडर ले सकती है। सो नेक्स्ट इज पीपल इन पार्लियामेंट। Nowadays, more and more people from diverse background, अलग अलग जगह से आते हैं, and actively participate in the functioning of government. Like as regional party,
हैव कम इन टू प्रोमिनेंस इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एंड प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो इसके लिए क्या करते हैं, अंडर प्रिविलेजेस सेक्शंस जिनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती थी एंड द मिनोरिटी कम्युनिटी हु आर लेस देन द हाफ ऑफ पॉपुलेशन, मिनोरिटी कम्युनिटी उनको बोलते हैं. दे आर ऑल्सो स्टार्टेड एक्टिव पार्टिसिपेट इन द पोलिटिकल प्रोसेस एंड फ्रॉम द ट्राइबल पीपल्स बिकॉज दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम एट द ग्रास रूट लेवल. अगर हम उन्हीं के एरिया में से किसी पर्सन्स को एमपी चुनेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया के बारे की प्रॉब्लम उसी पर्सन्स को पता होंगी. सो सिमिलरली इन द केस ऑफ वोमेंस देयर हैव ऑल्सो बीन डिबेट फॉर द रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर वोमेंस के वोमेंस की कितनी सीट रिजर्व होनी चाहिए. 60 ईयर अगो देयर आर ओनली 4% सीट फॉर वोमेंस बट नाउ इट्स 9%. So maybe in future that can be increased. So this is all about this lecture. I hope every topic will be clear to you. Now read this chapter thoroughly word to word, do book exercise and question answer. Thank you students.